चलिए आज के सेशन में हम ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो पेपर में आने के लिए चांसेस उनके टॉप कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफी इम्पोर्टेंस फॉर 2022। तो डायरेक्टली आ जाता हूँ मैं फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर आपका फील्ड विजिट है, इसको जस्ट आपको रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं बीच बीच में टेक्स्ट बुक के बीच का भी पार्ट बताऊंगा कि किस चीज पे आपको ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्योग्राफी में कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आ सकती हैं, लाइक सब कुछ टेक्स्ट बुक में से टेक्स्ट बुक से ही सब कुछ आएगी, एक्स्ट्रा मतलब कुछ टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आएगी। तो फील्ड विजिट कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट इसके डाइजेस्ट वगैरह में से थोड़ा भी वन लाइन या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कर लोगे, दैट्स इनफ फॉर दिस। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इंडिया और ब्राजील को, हर चैप्टर में इंडिया और ब्राजील को कंपेयर किया है, न जाने क्यों बच्चों को डिफिकल्टी आती है इस चीज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले याद है कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके, विच इज फेमस फॉर स्पाइसेस एंड क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट्स, वेर एज यहाँ पे आप ये डांस जो है सम्बा डांस, देन कॉफी पॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये याद रखिए। एंड सेकेंडली इसको हम पूरे वर्ल्ड का लंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, आएंगे उस टॉपिक पे भी आगे आएंगे। सो उसके बाद में ये चैप्टर का नाम लोकेशन एंड एक्सटेंट है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे इसका कंप्लीट लोकेशन एंड एक्सटेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये फिलअप्स यहाँ पे दिया है, तो जस्ट आपको मैप देख करके बताना है कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। ओके, लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो कौन से डिग्री कितने मिनट पे है, कुछ 7 डिग्री समथिंग पे है, तो उसके हिसाब से आपको याद रखना है। सिमिलरली ये जो देखिए इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ये फिलिप्स का क्वेश्चन बन सकता है आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे जहाँ पे ब्राजील के बारे में आपको दिया है, सो बेसिकली इस चैप्टर में मेन पार्ट यही है, आपको इसका एक्सटेंट जो है याद रखना है। अगर आप इसका एक्सटेंट याद रख सकते हो देन दैट विल बी द गुड पार्ट। उसके अलावा ये जो आपको इंडिया का बॉर्डर दिख रहा है जो अरेबियन सी से मिलता है जाकर के, इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, कोस्टल लाइन है ये। सो टोटल इंडिया का कोस्टल लाइन कितना है, सो इट्स समथिंग 7500। वेरेज अगर आप ब्राजील का कोस्टल एरिया देखोगे तो ब्राजील का कोस्टल एरिया कुछ 7400 के आसपास है। तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इंडिया के पास मोर अपॉर्चुनिटीज है फिशिंग वगैरह के लिए, तो कंपैरिजन में उस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो आप सब करोगे। यहाँ पर आ जाइए, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें से मुझे लगता है ये वाला पार्ट जो है आने के चांसेस है। ठीक है, और इजी क्वेश्चन भी है। देन आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, इसमें फर्स्ट देन लास्ट वाला याद रखिए, देन और जो मैंने बताया था ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंडिया का ब्राजील का, वो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सी वाला पार्ट करना है। एक क्वेश्चन मैंने अभी भी आपसे डिस्कस किया था, डैश इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट नोन एज इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर में आ जाइए, अमेजॉन रिवर और अमेजॉन बेसिस, अमेजॉन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एरियाज के ऊपर कंपैरिजन दिया हुआ है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसके मैच द कॉलम, सॉरी मैच द कॉलम नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, अमेजॉन इज द लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड नियर इट्स माउथ, ये वाला पार्ट जो है आप लोग कर लीजिएगा।
देन एमेजॉन रिवर बेसिस करिए द कोस्ट ऑफ ब्राजील, इंडियन पेनिनसुला एंड द ग्रेट एस्कार्पमेंट। देर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन ब्राजील क्योंकि वहां का स्लोप ही वैसा है। यहाँ पे डी वाला करिए, देन बी वाला करिए। देन नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, चैप्टर नंबर फोर। चैप्टर नंबर फोर में मैप इंपॉर्टेंट है, मैप रीडिंग करने आना चाहिए बेसिकली। ज्योग्राफी में कोई भी चीज डिलीटेड नहीं है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में सेकेंड और थर्ड, सॉरी थर्ड और फोर्थ करिए। देन गिव रीजन में सेकेंड गिव रीजन करिए। देन यहाँ पे ऊपर लास्ट वाला कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर फोर का सी वाला, यहाँ पे डिस्कस लिखा है, एग्जाम में डिस्कशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। ठीक है, कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में दोनों भी कंट्रीज का कंपैरिजन जो है आप याद रखिएगा। चैप्टर नंबर फाइव पे आ जाइए, चैप्टर नंबर फाइव। वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर में से फाइंड द ऑड वन आउट ये कर लीजिए अच्छे से। मैच द कॉलम भी यहाँ के मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। डिफरेंस एज आई सेड आपको करना है। सेकेंड वाला कर लीजिए। देन यहाँ पे अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट इज फाउंड इन ब्राजील। लास्ट नेक्स्ट डी वाला, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डायनेमिक होता है ये पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे जहां जहां ये डेंस डॉटेड दिख रहे, डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो जहां जहां सीशोर है आप देखोगे वहां वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, इधर पे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये कैपिटल है, और जैसे जैसे आप अंदर जाओगे पॉपुलेशन बहुत ही कम होती चली जा रही है। ये पॉपुलेशन कितने लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो 1 डॉट इज इक्वल टू 2 लाख पीपल। तो ये एक डॉट का मतलब यहाँ पे 2 लाख लोग रहते हैं। ये पार्ट कंप्लीटली अमेजोन
ने घेरा हुआ है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है बहुत ही घना जंगल है, जिसके चलते वहाँ पे रहना दुश्वार रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट के बीच में लोगों का बसर जल्दी नहीं हो पाता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू दिस थिंग। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, 1% इज इक्वल टू हाउ मेनी पीपल, 80 पीपल। इसके हिसाब से आपको कितना किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है वो फाइंड करने के लिए आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आता ही है हमेशा, याद रखिए सेक्स रेशियो, और प्रिपेयर कर लीजिए उसको। ये जो दिया है ना एक्टिविटी, व्हाट इज सेक्स रेशियो, ये सारी चीजें अच्छे से एक बार रीड कर लेना, इसके बाद ही एग्जाम हॉल में जाना है आपका। ठीक है, डायरेक्टली अब आ जाता हूँ मैं इसके एक्सरसाइज पे, पॉपुलेशन पे। देखो, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी मार्क कर लीजिए। जितने भी कंपैरिजन है मैंने बताया, सारे कंपैरिजन करना है, देन गिव रीजन पे आ जाइए। ये वाला गिव रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला एंड लास्ट वाला ऊपर आ जाइए। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है एग्जाम में आएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फिगर के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन सेटलमेंट्स पे आ जाइए, एज मैंने अभी बताया सेटलमेंट्स के बारे में, पॉपुलेशन के अंदर ही सेटलमेंट थोड़ा सा मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, अब इसको रीड करने आना चाहिए, लाइक यहाँ पे ये कलर देखिए, ये कलर इससे मैच करता है, इससे मैच करता है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है। सिमिलरली आप एक एक करके कलर को मैच करके इसका पॉपुलेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं इसके, और इसके क्वेश्चन आंसर्स पे जियोग्राफिकल रीजंस, इसमें फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो जितना ज्यादा हो सके इसके पार्ट्स स्टडी कर लीजिए। ई वाला कर लीजिए, राइट शॉर्ट नोट में कंपैरेटिव स्टडी एज आई सेड सबका करना है। ये दोनों कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये वाला है और ये वाला है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमी ऑक्यूपेशन। ये वाला चार्ट थोड़ा सा कर लीजिए, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो आपको ये पूछा जाएगा। ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे सब दिया है, कॉफी राइस कौन, अगर आप देखोगे बस इसको देख करके, यहाँ पे आपको जगह का नाम पता होना चाहिए, लाइक इंडिया है तो आपको तो फटाक से पता चल जाता है ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, बट ब्राजील का थोड़ा सा आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा है, क्या स्टेट है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी आंसरिंग दैट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, ये वाला पार्ट जो है ट्रेड का दिया है और ये टेबल दिया है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों फिल्म्स मुझे लग रहे, तीनों में से एक फिल्म जो है कंफर्म आने वाला है पेपर में। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको हर एक का करना है। ये वाला ग्राफ कर लीजिए, गिव रीजन पे आ जाइए। गिव रीजन इसके दोनों कर लीजिए। टूरिज्म चैप्टर पे आ जाइए। टूरिज्म में टाइम मिले ना सब पढ़ने के बाद में, तो थोड़ा ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए इसको रीड कर लेना। ठीक है, लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, डी वाला, सेकंड का ए, गिव रीजन में फर्स्ट, डिफरेंस मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन पे आ सकता है। IST NBRT कर लीजिए। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, सो दैट्स इट विथ ज्योग्राफी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर ज्योग्राफी पेपर टू। सो आपका एग्जामिनेशन होने के बाद में क्लास 11 का हम यहाँ पे स्टडी स्टार्ट कर देंगे। इट विल बी अवेलेबल थ्रू द लिंक दैट इज प्रोवाइडेड इन द कमेंट बॉक्स। आप वो लिंक को ओपन करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहीं पे सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे।